उसके लिए चर्च में हमेशा खाली बर्तन होने चाहिए। खाली बर्तन लाते जाओ, चमत्कार होते जाएंगे, आश्चर्य कर्म होते जाएंगे और प्रभु अद्भुत कार्य करता जाएगा। हालेलुया। जो मुट्ठी क्रमत करे वो कहेगा यस। ओके पंजाबी कई लोग जानते हैं ये वाला गीत और सुनना मांगते हैं। सब लोग कहेंगे आंखें किसी के पास देखिए बोलिए देखो देख के बोलो लड़के लड़के लड़कियां लड़के। हाँ पहले क्लियर कर दूं मैं। हाँ क्या बोलेंगे आईज आईज आंखें। अरे बाप रे कौन बोल रहा है आंखें आईज। ओके तो ये जो कहेगा आमीन। ये आंखें कभी इस पे भरोसा मत करिए, इस पे कभी डोंट ट्रस्ट योर आईज। बाइबल बताती है ये आंख आपको धोखा दे सकती है। बाइबल टेल्स यू द आईज विल डिसीव यू। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, व्हेन देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द शेपर्ड्स ऑफ Abraham and Lot. Genesis chapter 13. उत्पत्ति 13 में अब्राहम और लूत अलग-अलग हो रहे थे। Genesis chapter 13, Abraham and Lot got separated. और फिर अब्राहम ने भतीजे से कहा कि तुझे जहाँ जाना है तू जा। And Abraham said to Lot that wherever you want you can go. तो लिखा है लूत ने आंखें उठाई और कौन सी जगह चुनी मालूम? सदोम। He said it is the word of God that Lord looked up and chose a place Sodom. Sodom ye paap ki nagri thi. Sodom was a city of evil sin. Aur duniya ki keval ek hi nagri hai jisko prabhu ne bahut mysterious yani bhed hai usme ek aise tarike se vinash kiya jaise kisi aur nagar ko nahi kiya. And this was the city you know in the Bible and in the word also which was evil and wicked and God destroyed it. कितने लोगों को जानना है कि सदोम का क्या हुआ? कितने लोगों को जानना है? I want to know what happened about Sodom. नहीं वो सिंपल वाला बाइबल वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग बोल रहा हूँ। I'm not talking about simple thing what is written in the Bible, not that. जो इज़राइल आ रहे हैं या आना चाहते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो मैं कहूँगा कि तत्काल पासपोर्ट बनाइए तत्काल। And those who are not been to Israel, if you want to come to Israel, take out a passport in Tatkal. 7-10 दिन में मिल जाएगा आपको. 7 or 10 days you'll receive the passport. क्योंकि वीजा ये रिजेक्ट हो रहे हैं. हमारे 55 वीजा रिजेक्ट हो गए थे जब मेरा 2019 में कैंप था. 2019 when I had fired a camp in Israel, no 55 visa got rejected. भाई योगेश का भी वीजा रिजेक्ट हुआ था. योगेश वीजा got rejected. भाई अल्फेस का वीजा रिजेक्ट हो गया. प्रभु ने सदोम का विनाश किया। God destroyed Sodom. और सदोम आज की तारीख में इसको डेड सी कहा जाता है। Today's day, Sodom is known as the Dead Sea. और डेड सी में एक भी जंतु एक भी मछली एक भी चीज ये जिंदा नहीं रहती है। And no organisms are alive in the Dead Sea. अच्छा समुद्र का पानी कैसा होता है मीठा या खारा? How is the water of the sea? Salty, right? Right, salty, right? Saline. Okay, खारा होता है। Dead Sea का पानी normal समुद्र के पानी से 70% ज्यादा खारा है। And the Dead Sea water is 70% more salty or saline than the sea water. You can feel water. आप पानी को feel कर सकते हो। चिकना दिखता है सर। It is slimy. You can feel the water. आप डेड सी के पानी में आप तैरना नहीं जानते फिर भी आप यदि लेट जाओ अपने आप बॉडी आपके ऊपर आ जाती है।
If you don't know how to swim, no problem. If you're in the Dead Sea, automatically your body will float out in the water. आपको तैरना नहीं आता है. You don't know how to swim. वैसे खुदा भी ऐसा चमत्कार कर सकता है. किसी भी नदी में कूद जाओ. God can do the miracle. Jump in any river. Body ऊपर आ जाएगी मरने के बाद. And body will come up after you die. लेकिन मैं बॉडी बोल रहा हूँ, जिंदा आदमी ऊपर तैरता है ऑटोमेटिक डेड सी का. But a living man is, you know, he floats on the water in Dead Sea. ऐसी जगह को लूट ने चुना. Lord chose this kind of place. तो ये आँखें धोखा देती हैं. These eyes they deceive. कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन. लगिया अखियां
सुन लगिया अखियां लगिया अखियां लगिया अखियां लगिया अखियां अखियां लगिया लगिया अखियां लगिया 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 अखियां लगिया अखियां लगिया लगिया इबादत करते हुए आमेन। स्वर में कितने घंटे? 24 hours, तो यहाँ कितना? दो घंटा। How many hours? 2 hours. 5-6 घंटा आप आराम से चर्च में खड़े रहने चाहिए खुदा की इबादत करने के लिए। जोर दो। 5-6 hours you can stay in the house of the Lord to worship His name. बैठ जाइए। We'll sit down in our places, please. Second King chapter 3 में। Second King second chapter. हम तीन देश तीन राजाओं को देखते हैं। We see three kings and three countries. लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं उस पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। But because of the lack of time, I will not be able to preach upon that today. हम इज़राइल के राजा को वहाँ देखते हैं। We see Israel's king in that place. हम वहाँ पर यहूदा के राजा को देखते हैं। We see the king of Judah in that place. योराम, यहोशापात और तीसरा एदोम के राजा को हम देखते हैं। And third we see the king of Edom. These three are fighting against one particular tribe, a country, Moab. Moab के विरुद्ध में ये तीनों लड़ाई करते हैं। And these three king against one king against Moab we can see over here. लेकिन इस वक्त पवित्र आत्मा ने कितने लोगों को छुआ? ईमानदारी से हाथ उठाइए जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ।
and people were touched by the Holy Spirit. Can you lift up your hands? See, many are there. आप उनको जाके कोई पूछो कि इसने आपको जबरदस्ती नहीं, वो अपने आप पवित्र आत्मा छुराता है. जोरदार ताली खुदा के लिए. We clap loudly for the living God. मैं जो बोलने जा रहा हूँ. And what I'm going to preach. पानी की बोतल कुछ है यहाँ पे? वो आपको करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे. I want to show you some illustration. नहीं खोलिए मत, खाली यहाँ मेरे पास आइए. यहाँ पे आ जाइए. अब ये बोतल लोगों को दिखाइए. अब क्या इस बोतल का पानी इस ग्लास में आ सकता है? Can this bottle's complete water can come in this glass? Hello. क्यों? It cannot come. Why? हाँ. बोल रहे बेटा, बोलो ना. हाँ बोलो. क्या? नहीं, ढक्कन तो खोल लेंगे हम लोग, लेकिन फिर आ जाएगा. हाँ नहीं, फिर भी पूरा ये पूरी बाटली इसमें आ जाएगी. मुझे डोको लाओ लो, मुझे खाए लाओ लो यार. ये पूरी बोतल का पानी इसमें आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ ग्लास छोटा है. हाँ नहीं, लेकिन ये पूरी बोतल इसमें आएगी? आज सवाल अलग वाला है, वो 1942 वाला नहीं योगेश. मैं आज सवाल अलग पूछ रहा हूं, और इसी में आपकी मिनिस्ट्री की पावर छिपी हुई है. And in this the power for your ministry is hidden. कोई है जो कहेगा आमीन? थैंक यू. उस ग्लास की साइज छोटी है. साइज ऑफ द ग्लास इज स्मॉल. कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन. इतना समझ गए तो हाथ उठाइए. You understood, lift up your hands. उसी प्रकार से इन द सेम वे मेरे प्रभु के पास आपको देने के लिए बहुत है. माय गॉड हैज मच टू गिव यू. लेकिन आपकी भूख प्यास ये छोटी है. बट योर थर्स्ट एंड हंगर इज स्मॉल. कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा यस? सो यस. आमेन. आमेन. भूख प्यास कम थी, इसके लिए 6:30 या जो भी टाइम मिला. मुझे कल मनमाड़ का ग्रुप यहाँ नजर आया, ऐसा उन्होंने कहा. Only Manmad group was in this place. या जो भी यहाँ पे थे, उतने ही लोगों की भूख और प्यास थी. Only those people who came, they had the thirst and hunger. तो क्या खुदा रिवाइवल के लिए आपके शहर से किसी और को चुने? And for revival for your city, God should choose someone else then. यहाँ पर जो lights लगाए गए हैं. The lights which are placed over here. क्या ये विजयवाड़ा से आए हैं? Have they come from Vijayawada? क्या ये मीरज से आए हैं? Have they come from Meerut? क्या ये औरंगाबाद या सोलापुर या कोल्हापुर या मुंबई से आए हैं? और औरंगाबाद, सोलापुर, मुंबई. हेलो, कहाँ के हैं? From where these lights belong to? हमारे ही है. They belong to this place. Amen. Our lights. Amen. 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 Vijayawada को ज्योति देने के लिए. To give light to Vijayawada. या औरंगाबाद या जिस भी शहर से आप आ रहे हो उसको लाइट देने के लिए. औरंगाबाद or whichever city you come from, to give light to that city. आपको पुणे से लाइट मंगाने की जरूरत नहीं है. You don't need to ask for light from Pune. आपको पंजाब से तो बिल्कुल मत मंगाइए. You don't even ask from light for Punjab. आपको चेन्नई से लाइट नहीं मंगाना है. You have to bring light from Chennai. आपको बैंगलोर से लाइट नहीं मंगाना है. मैंने आप जहाँ से आए हो वहाँ पर क्यों अलग अलग लाइट को मंगा रहे हो? And from wherever you have come from, do you bring light from other place? People call invite preachers. People invite preachers to the place. ताकि वो उनके अंधियारे को दूर करें. So they can take away the darkness from the area. लेकिन revival के लिए कोई गोरा आदमी अमेरिका से आएगा तो हमारे इंडिया में revival आएगा, ये बात बिल्कुल गलत है. Totally wrong imagination that American will come and preach and then revival will come in our areas. आजकल बहुत काले लोग भी आ रहे हैं और हमको लग रहा उनसे रिवाइवल आएगा. And even many black people are coming and preaching, we think, oh, revival will come through them. यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो. Jesus Christ said, you are the light of the world. तो आप खुद बल्ब हो. You yourself are the bulb. ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए और अपने शहर में जल जाइए, अपने शहर के अंधियारे को दूर करिए. Get connected with the Lord and light in your cities and burn the cities with the light. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. मैं आपको छोटी बात बोलने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ. I'm not in this place to tell you small things. दूसरा राजा 4 में मैं आपको एक छोटा प्रचार दे रहा हूँ जो आपके ग्रोथ के लिए. ग्लास वाला प्रचार ही कर रहा हूँ मैं. Second Kings and the 4th chapter, I'm going to give you a small. Can you show that?
यस, और पास्टर क्लेरा वहां से पढ़े चौथा मेरे पास देखते रहे, आज घर के जैसे बैठे हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मूसा भी इजरायलियों से ऐसे ही बात करता था। I think Moses was talking to the Israelites in this same way. मेरे चर्च में Jesus, in my church, मैं अक्सर ऐसे यहाँ बैठता हूँ, सब लोग नीचे बैठते हैं। Now mostly sit like this down here and my people sit down. जो नीचे नहीं बैठ सकता उसको कुर्सी बिठाता हूँ और मैं ऐसे बैठ कर ज्यादा प्रचार करता हूँ। And mostly I sit down like this and preach. मैं अभी ऊपर बैठा हूँ क्योंकि सबको मैं नजर आऊंगा। I'm sitting up purpose so all can see me properly. आपको मालूम मरियम मार्था की कहानी? Do you know the story of Mary and Martha? मरियम कहाँ बैठती थी? Where Mary sat? यीशु के चरणों के पास। Near the feet of Jesus. चेलों को गुरु के पास बैठना चाहिए। The disciple need to sit with the master. मैं चाहूंगा कि यहाँ से जब जाएंगे मनमाड़ वाले पास्टर ठुमरे के पांव के पास बैठ जाओ, बोलो पास्टर हमको सिखाओ। I mean, better people will go back to Manmar, sit near Pastor Thombre and tell him, "Oh, tell us more, Pastor." Pastor Vinod ke log unke paas baith jayenge. Pastor Vinod's people will sit along with him. Pastor Gidun ke log Pastor Gidun ke paas baith jayenge. Pastor Gidun's people will sit along with him. Nahi, Pastor sikhao humko. And then Pastor teach us. Amen. 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 Aiye, padhte hain. Let's read. भविष्यवक्ता के चेलों। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके लिए वीडियो वॉल पे लगाया है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ध्यान आई नोट देना ए माइनर। अखियां लगियां यीशु के पास। ओके, यहां वाली मेरे पास देखिए, आप पढ़िए पास्टर। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। सुनिए, लिसन, बाइबल में, इन बाइबल जो भविष्यवक्ता थे उनके चेले थे। And the prophets who were there, they had the disciples. पुराने नियम में हम ऐसे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं। In the Old Testament we see this kind of disciples. नए नियम में भी Acts chapter 11 we see a prophet Agabus. And even in Acts chapter 11 we see a prophet Agabus. 11वें अध्याय प्रेरितों के काम, अगबुस नाम का एक प्रॉफिट था, नबी था। Acts chapter 11 we see a prophet whose name is Agabus. कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन, आमीन, आमीन। अब सुनिए, नाउ लिसन, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक चेला मर गया। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सिंपल में, सिंपल भाषा में, बड़े बड़े से मैसेज में मेरे यहाँ पर देना मुझे पसंद है। क्राउड को एक तैयार कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर मैं अलग टाइप से बोल रहा हूँ। देखिए, प्रभु के चेलों में से एक की मृत्यु हो गई। Among the disciples were there, one died. उसकी पत्नी, his wife, अलीशा के पास आई। Came to Elisha. अलीशा प्रभु का सेवक, नबी है। Elisha was a prophet. जिस पर गुरु के आत्मा का दुगना भाग है। And who had the double portion of anointing of his master. Pastor Elisha यहाँ पर है। Pastor Elisha is here. दुगना भाग होगा उनपे। He'll be having double portion. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आप बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं हो। You don't read the Bible carefully. तुमको दूसरा anointing क्यों चाहिए? Why you want second anointing? Pastor Elisha, can you stand? Elisha, can you stand? Do you have any member or any person from your church? You all are from different church, right? आप लोग अलग अलग church के कौन है? दो लोग सबको खड़ा करते। Yes, एक और कौन खड़े हो जाए? जो भी who's from Pastor Elisha. Wow, so many people are there. Good. वेरी गुड। उसमें आपका परिवार भी है? कौन है ये आपके? अच्छा, ओके, सो ये दिस ऑल फ्रॉम योर चर्च, राइट? आप लोग इनके चर्च के हैं। यू ऑल बिलोंग टू हिज चर्च, राइट? जब आप प्रेयर कर रहे हैं अनॉइंटिंग के लिए, व्हेन यू प्रेइंग फॉर द अनॉइंटिंग, आपको अलीशा नेवर प्रेड, अलीशा ने ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे किसी और का अनॉइंटिंग चाहिए। अलीशा नेवर प्रेड दैट आई वांट अनॉइंटिंग ऑफ समवन एल्स। अलीशा ने प्रार्थना की उसके गुरु का मुझे अनॉइंटिंग चाहिए। अलीशा प्रेड दैट ही वांट द अनॉइंटिंग ऑफ हिज मास्टर। आपको
लेकिन आप जब anointing के लिए प्रार्थना कर रहे हो, but then when you're praying for the anointing, for आपके चर्च के लिए, for your church, तो आपने ये प्रार्थना कर, आपके चर्च में आप इतने लोग हो, in your church these people are there, तो इन्होंने ही लाया ना आपको, he has brought you, इन्होंने ही प्रभु में लाया ना, अंकुर नरोला तो नहीं आए थे ना, अंकुर नरोला had not come, you're getting my point, did you get my point? आपको ईश्वर में लाने वाला आपका बाप कोई और नहीं, आपका बाप यहाँ खड़ा है, जोरदार सारे लोग ताली बजाएंगे। तो आप, आपको प्रार्थना करने के लिए जब anointing के लिए प्रार्थना कर रहे हो, and when we are praying for the anointing, तो बोलना प्रभु एक पास्टर अलीशा, I will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग लेके 12 disciples, and you got 12 disciples here, पीछे भी है sister. More oh, girls are there. How many are there? Girls, कहाँ पे हैं लड़कियाँ, बच्चे लोग कहाँ हैं? खड़े जाओ. पूरा टीम, पूरा मतलब जोरदार ताली बजनी चाहिए आप. Okay. तो अगर एक पास्टर अलीशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग ला सकते हैं. If one pastor can bring 16 people. तो अगर इस भाई में, what is your name? Vijay. Vijay. Wow. मेरे डैड, यू आर माय डैड, माय डैड नेम इज विजय, ओके पापा जी, एनीबडी रेखा यहाँ पे कोई है, माय मदर नेम इज रेखा, ओके, सो विजय शुड प्रे, विजय ने प्रार्थना करी थी कि मुझे मेरे पास्टर का अनॉइंटिंग मिले, विजय शुड प्रे दैट आई शुड गेट माय पास्टर्स अनॉइंटिंग, इनका अनॉइंटिंग मान लीजिए चर्च में बहुत लोग होंगे, लेकिन मान लीजिए इनका अनॉइंटिंग 14 लोगों को प्रभु में ला रहा है, and his anointing has got 14 people in the Lord, aur inme wahi anointing aaya Vijay mein, and the same anointing comes in Vijay, aur aapne ye prarthna ki prabhu mujhe inka double portion de anointing, and if you pray that Lord I want a double portion of his anointing, to Alisha pastor 14 laye, Alisha pastor brought 14, to aap kitne laoge, and how much you will bring, ah 30 nahi just nahi, ha ओके हाँ, 14 का डबल कितना 28, तो सोचिए हाउ मेनी पीपल यू आर हैविंग इन योर चर्च, 200 है, नाउ आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस आई वांट टू, मुझे ये कवाई सुननी है, आई वांट टू हियर दिस टेस्टिमनी, सी आई विल 200 यू भूल जाइए 200 लोगों को, फॉरगेट अबाउट दिस 200 पीपल, यहां से जब जाओगे ना, व्हेन यू गो बैक फ्रॉम दिस प्लेस, सब लोग बहनों बच्चों सिस्टर्स ये लोग भी, ये सब लोग मिलकर यदि प्रभु का काम करेंगे, अपने पास्टर का एनॉइंटिंग मांगेंगे, 14 14 14 14 14 14, यू विल गेट 224 मोर न्यू पीपल इन योर चर्च, दिस इज द स्ट्रेटजी, कोई है जो कहेगा आमेन, न्यू पीपल इन योर चर्च, आमेन, बैठ जाइए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आई रियली वॉन्ट कि आप ऐसा करें, ओके ओके, अब सुनिए, भविष्यवक्ता का चेला मर गया, डिसिपल ऑफ One of the disciple of the prophet died. उसकी पत्नी, his wife. पहले तो समझ जाओ, problem क्या है यहाँ पे? Problem ये तो चेला मर गया है, मरने का problem नहीं है. The problem, try to understand the problem. Problem is not that the disciple died. लेकिन उस सेवक ने कर्जे निकाले थे. But that servant of God had taken some loan. और गलत ये है कि कर्जा मत निकालिए, प्रभु पर डिपेंड रही है. Do not take out loans, depend on the Lord. अब ये कर्जा नहीं दे पा रहा है. And he could not pay back the loans. तो मर गया वो. He died. तो जिससे कर्जा लिया था, the one who had taken the loan, वो उसके बच्चों को लेने के लिए आया है. And the creditors came to take away his sons. और बाइबल बताती है, and the Bible tells us, कि ये औरत अब प्रभु के सेवक अलीशा के पास आई. And this woman and the children came to Alisha. और अलीशा से उसने कहा, and said to Alisha, कि मेरा पति तेरा चेला मर गया है कर्जा लेकर. And my husband, your disciple, has died and he has kept loan for us. और कर्ज जिससे लिया था वो मेरे बच्चों को लेने के लिए आया है. And the money lenders have come to take away my children. तो अलीशा ने क्या किया? पॉकेट में हाथ डाला. Alisha do put his hand in the pocket. उसने चेकबुक निकाला. Took out a checkbook. उसने कहा QR कोड क्या है बता? Tell me what is a QR code. हेलो, कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया. कोई है जो कहेगा जय मसीह की? जय मसीह की. कुछ लोग पास्टर के पास कायत्री दिया, काय दिया? Some people come to pastor, oh, give us something. What to give? मेरे भाई मेरी बहन. My brother my sister. अलीशा ने कुछ नहीं दिया.
Elisha did not give anything. लेकिन अलीशा ने एक सवाल पूछा. But Elisha asked a question. मेरा प्रीचिंग ये भी नहीं है, खाली सुन लीजिए. सवाल पूछा. Ask the question. First, तेरे पास क्या है? First, what do you have? तेरे पास जिसको कैंसर है. The one who has cancer. प्रभु आप ही को पूछ रहा, तेरे पास क्या है? God will ask you what you have. जिसको बेरोजगारी है, प्रभु आप ही को पूछ रहा, तेरे पास क्या है? The one who is unemployed, God will ask you what you have. प्रभु ने मत्ती 25वां अध्याय तीन प्रकार के लोगों को, एक को पांच तोड़ा, दो तोड़ा और एक तोड़ा दिया. In Matthew chapter 25, Jesus mentioned about a parable when one was given five, one was given two, and one was given one talent. और जिसको एक मिला था, the one who got one talent, उसने उसको जमीन में बो दिया. He dig a ground and put it inside. क्या एक से क्या होगा? What will happen by one talent? लेकिन बगल वाले को बोलो, this is my message. बगल वाले को बोलो, एक तोड़ा थोड़ा नहीं होता है. Look to neighbor and say, one talent is not less. एक तोड़ा थोड़ा नहीं होता है. एक तोड़ा थोड़ा नहीं होता. Amen. One talent is not less. Hallelujah. अब उसने पूछा. And now he asked. तेरे पास क्या है? What do you have? Your area. और फिर उसने पूछा, तेरे पास क्या है? And again he asked, what do you have? उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है. And she said, I have little oil. मेरे पास थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ा सा. वो कर्जा मांगने, वो पैसा मांगने गई, मदद मांगने गई, अलीशा ने उल्टा बोल दिया, तेरे पास क्या है? And she went to ask for help for Elisha, but Elisha said, what do you have? और उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है. She said, I have little oil. अब यहां से कहानी शुरू होती है, मेरा प्रचार शुरू होता है. And from here my preaching starts, the story begins. थर्ड, तीसरी आयत, थर्ड वर्स. और छोटा सा दो लाइन बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा. The important points I will mention, listen carefully. उसने कहा, उसने कहा, तू बाहर जाकर. अब अलीशा ने कहा, तू बाहर जा. कहां जा? बाहर जा. कहां जा? बाहर. अपने चर्च के लोगों को या अपने बगल वाले को बोलो, चर्च में मत बैठो, चर्च के बाहर जाओ. People, don't sit in the church, go out. Holy Spirit बैठाता नहीं, Holy Spirit हाँ भेजता नहीं. कितने को पवित्र आत्मा मिला? How many people received Holy Spirit? अभी कितने को पवित्र आत्मा ने छुआ? How many people are touched by the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा आपको अच्छा लगे उसके लिए नहीं, पवित्र आत्मा बैठाता नहीं. पवित्र आत्मा आने के बाद 120 लोग फिर से अपर रूम में नहीं आए, वो बाहर गए सुसमाचार सुनाने के लिए गए. जिनको आत्मा मिला है, जाओ और जगत को सुसमाचार सुनाओ. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो. कोई है जो कहेगा आमीन? मैं इस दल उस दल की बात नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्टली शैतान को चैलेंज दो कि शैतान रोक सको तो रोक लो. हम खुदा का कलाम इस देश के कोने कोने में पहुंचा कर दम लेंगे जोरदार. यदि विश्वास रखते तो जोरदार कमान की बगुन. बाहर ये संदेश दो कि तुम एक को मारोगे हम 100 खड़े करेंगे, तुम 100 को मारोगे हम लाखों खुदा की सेविकाई के लिए खड़े. कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप ऑफ हैंड्स टू गॉड. इफ यू विल किल वन, वी विल मेक 100 स्टैंड. इफ यू किल 100, लाख विल स्टैंड फॉर द लॉर्ड. कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन. बाहर जाइए. Go out. थोड़ा सा तेल है ना? You have little oil, right? थोड़ा सा anointing है ना? You have little anointing. उसको लेकर बाहर जाइए. Take that and go out. खैर, यहाँ पर मैं कुछ और बोल रहा हूँ. अलीशा ने बोला, बाहर जा. Elisha said, go out. बाहर जा. Go out. तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया. क्या मांग के लेके आ? खाली बर्तन. क्या मांग के लेके आ? खाली बर्तन. क्या लेके आ? Bring empty vessels. Pastor Elisha, stand up. You are sitting near to me. That's why I'm calling you again and again. Okay. Pastor, आप क्या किए? आप हाँ नहीं खड़े रहिए. तो आप गए. Then you went. फिर आपने एक बर्तन लाया. And you brought one vessel. खाली था ये. Empty vessel. फिर आप गए. Then you went. एक बड़ा वाला बर्तन, मोटा ताजा बर्तन लाया. And you got a good big vessel. बड़ा एम. अरे ये होता है एटीट्यूड. वेरी गुड, दैट्स अ पॉजिटिव थिंकिंग. फिर आप गए, बोले और एक बड़ा वाला, दो बड़े बड़े रहेंगे तो बात बड़ी बनेगी. एक and you got a big empty vessel. खाली लाया. यस यस यस, मैं उस पे आ रहा हूँ अभी. हाँ ओके. तो ये खाली थे. They were empty. उनको लेकर कहाँ है? You brought them where? चर्च में.
इन चर्च कोई है जो कहेगा आमीन आमीन कोई है जो कहेगा हालेलुया हालेलुया बाहर जाओ गो आउट बहुत सारे लोग खाली हैं मेनी आर एम्प्टी पीपल चंगाई नहीं खाली है दे आर एम्प्टी चंगाई नहीं खाली है नो हीलिंग एम्प्टी छुटकारा नहीं खाली है नो डिलीवरेंस दे आर एम्प्टी गरीबी है जेब खाली है Oh, pockets empty, poverty. My God is a God of blessing. My God is a God of blessing. मेरे भाई मेरी बहन खाली है. My brothers and sisters, they are empty vessels. Formula ये था कि जाओ. The formula was that go. और खाली बर्तन लेकर आओ. Bring empty vessels. और उसमें तेल भरना शुरू करो. And start filling oil in that. You can sit here only. मुझे लगा तो उठाऊँ. अब सुनिए. Now listen. कोई है जो कहेगा आमीन. Amen. और फिर एक आज्ञा दी थी. वो मैं आज्ञा बोलना चाह रहा हूँ। And further he commanded, which I want to mention. अब उन्होंने क्या किया? What they did? उसके बच्चे थे। बच्चे थे ना पास्टर, हाँ, थे ना? Her sons. हाँ, तो गए। They went. और फिर खाली बर्तन लाए। They brought empty vessels. खाली बर्तन लाए। They brought empty vessels. मैंने पुणे में जब काम शुरू किया, एक भी आदमी नहीं था मेरे चर्च में। When I started working in Pune, not even one person was there in my church. मैं पास्टर नहीं था, मैं प्रीचर था। I was not a pastor, I was a preacher. अलग अलग जगह जाके प्रीचिंग करता था। I used to preach in different places. लेकिन प्रभु ने कहा 2006 में चर्च मिनिस्ट्री शुरू करूं। In 2006, God said that you have to start a church ministry. तो जीरो था। Zero. लेकिन दाऊद के जैसे टीम मेरे पास थी। And a team like David, there it was with me. फिर मैं हमारे पुणे के वारजे में गया, खाली बर्तन लाया। मंगलवार पेट गया, खाली बर्तन लाया। गोखले नगर गया, खाली बर्तन लाया। जवल का नगर गया, खाली बर्तन। सांगवी, खाली बर्तन। पिंपरी, खाली बर्तन। कालेवाड़ी, खाली बर्तन। खाले बर्तन लाता गया। And I went to every areas and I brought empty vessels. And Alisha ने कहा कि किवाड़ बंद करना है। And Alisha said. Latch the door, close the door. Kivar, there are certain things. कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रभु बंद दरवाजे में करना चाहता है. Certain things are that which God want to do behind the closed door. मसलन, for example, अपने गुप्त पिता से गुप्त रीति से प्रार्थना करना. Closed door. Speaking with your father in secret place. देख वो द्वार खटखटा रहा है, अंदर आके खाना खाना चाहता है. When he enters in your life, he is knocking at your door. जब वो अंदर आता है, close the door and keep Jesus inside. Somebody will say Amen. Amen. कुछ चीजें बंद दरवाजे में की जाती है. Some things are done behind the shut doors. प्रभु ने नूह को जहाज के अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया. God put Noah inside the ark and shut the door. कोई है जो कहेगा आमीन. आमीन. God do some miracle inside the door, not outside the door. And God does some miracle inside the door and not outside. कोई है जो कहेगा आमीन. आमीन. एक बार इसी अलीशा ने Once upon time, Alisha, इसी चौथे अध्याय में आगे जाओगे आठ से वलहसीन हलबंदरा बाइबल यू कहती है एंड द फोर्थ चैप्टर एट वर्ड्स ऑनवर्ड्स एक लड़का मर गया था लड़का हाँ मर गया when boy had died, और फिर उसको जिंदा किया ऐसे ही बंद दरवाजे में and he made him alive behind the closed door. यीशु मसीह ने याइर की बेटी को ठीक किया जिंदा किया बंद दरवाजे में and Jesus rose up Jairus' daughter behind the closed door. सेवकों, ministers, प्रचारकों, आपको बंद दरवाजे में खुदा की महिमा खुदा का पावर खुदा की ग्लोरी खुदा का मिराकल खुदा का सामर्थ्य देखने को मिलेगा बंद दरवाजे में behind the closed door, servants of God, you will see the glory of the Lord working and miracles taking place. और उन्होंने बर्तन लाए and they brought the vessels. प्रॉब्लम क्या थी what the problem was कि बर्तन लाए They brought the vessel. अब दरवाजा बंद कर दिया. And closed the door. और फिर तेल डाला. And started pouring the oil. तेल डाला बर्तन भर गया गोखले नगर वाला भरजे वाला ये वाला लाया भर गया ये वाला लाया बड़ा वाला भर गया ये लाया बड़ा वाला भर गया छोटे छोटे लाए वो भर जाएंगे थोड़ी देर में वो भी बड़े हो जाएंगे और ये सब भरते गए. And brought all the vessels, started filling the vessels, and they all got filled. और फिर आश्चर्य कर्म हाँ Then the miracle ceased. Stop. मेरी preaching सही है. और आश्चर्य कर्म कब रुका? When the miracle stopped. जब बर्तन खत्म हो गए. When the vessels got over. God will not do miracle. परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा. जब आपके पास खाली बर्तन ही नहीं है. When you don't have any empty vessels. इसके लिए चर्च में हमेशा खाली बर्तन होने चाहिए. खाली बर्तन लाते जाओ, चमत्कार होते जाएंगे, आश्चर्यकर्म होते जाएंगे, और प्रभु अद्भुत कार्य करता जाएगा. Keep bringing empty
जो मुट्ठी को बंद करेगा कहेगा खाली बर्तन लाओ bring empty vessels. Next time Vijayawada में 300 होना चाहिए. Next time 300 in Vijayawada. Now pastor will not do. This time pastor will not do. छोटे छोटे pastors will do. So small pastors will do. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready? हाँ करेंगे ऐसा. तुम लोग stand up. हाँ सब लोग. Vijayawada खाली Vijayawada और तुम लोग Vijayawada के लिए करो. हाँ. Are you ready? Okay. मुट्ठी को लेंगे. Are you ready? Yes. Okay. Are you ready? Yes. छोटे छोटे बर्तन आप काम करोगे स्मॉल स्मॉल वेसल्स विल वर्क एंड गॉड विल डू माइटी थिंग्स परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा जैसे वो छोटी लड़की किधर है वो इज अ स्मॉल गर्ल नहीं ये नहीं ये तो बड़ी है हां ओके हां वो वाली है इसको दे दो मेरा दत्तक घुंटक तू इला मेरे को अच्छा लगा मंती मी भूत काढते हेच पाहिजे बेटा माझ्याकडे असंच होतं हे पोरं छोटे छोटे भूत काढतात नाही ती नाही ती ती अच्छी लड़की वो ओके बाय शु सेंग यू दामिनी जैसी अरे काय काय पाहिजे सांगा ओके भूत आज भूत निकल रही है कल तू बड़ा बड़ा काम करेगी मैं दामिनी सिस्टर के कारण में बताऊंगा तुझे गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको आशीष दे ऐसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर चाहिए पास्टर्स को हेल्प करने के लिए We need like the small children, the youth to serve the Lord. तो बर्तन भर गए. The vessels got filled. और चमत्कार रुक गया. And the miracle ceased. क्योंकि खाली बर्तन नहीं था. Because no empty vessels were left. खाली बर्तन नहीं था. No empty vessels were left. अब यहाँ से मेरी preaching शुरू हो रही है. छोटा सा एक line, दो line बोलूँगा. तीसरी आयत में लिखा है. And third verse it is written. एक गलती की. One mistake was done. एक गलती की. One mistake was there. और क्या गलती थी पढ़िए पास्टर. What mistake it was? उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया. हाँ, एक चीज उसने छोड़ दी और वो लाइन ये है. अलीशा ने पहले ही बोला था. अलीशा टोल्ड हर बिफोर इटसेल्फ और थोड़े बर्तन न लाना. बोरो नॉट फ्यू और थोड़े बर्तन ना आवाज नहीं और थोड़े बर्तन न लाना और थोड़े बर्तन डोंट ब्रिंग फ्यू थोड़े बर्तन कितने लाना बहुत कितना लाना ब्रिंग मोर थोड़े मत लाना बोला था. ब्रिंग फ्यू अगर थोड़ा लाओगे थोड़ा मिरेकल. If you bring few miracles. खुदा से साइकिल मांगोगे प्रभु साइकिल देगा. If you ask for cycle God will give you cycle. मोटरसाइकिल मांगोगे मोटरसाइकिल देगा. If you ask for motorcycle God will give you motorcycle. एक चर्च मांगोगे प्रभु एक चर्च देगा. लेकिन प्रभु चाहता है कि आपके चर्च की कई सर्विसेज हो कई ब्रांचेस हो हर गांव में हर शहर में प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को फैलाए फुलाए यह ईश्वर की योजना जोरदार ताली बजा के कोई है जो कहेगा आमीन. God wants that every ministry should spread in every city and every place. तो एक लाइन में मेरा मैसेज मैं खत्म कर रहा हूं यहां से शुरू होता है लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं विद दिस लाइन एंड सेंटेंस आई विल प्रीच माय सर्मन फ्रॉम हियर इट एक्चुअली बिगिंस यहां से मैसेज शुरू होना चाहिए बट आई एम गोइंग टू प्रीच वन लाइन मैसेज फ्रॉम हियर द मैसेज विल स्टार्ट बट आई एम गोइंग टू फिनिश राइट हियर और मैसेज ये है द मैसेज प्रभु आपको बहुत देना चाहता है गॉड वांट्स टू गिव यू लॉट यहाँ पर कहा बहुत लेकर आना है And he said, bring many. उसने जितने लाए प्रभु ने उतना काम किया है And how much he, she brought, God worked. तो उस ग्लास के अंदर inside the glass, वो बोतल का पानी नहीं भर सकते आप इनके हाथ में बोतल दीजिए पास्टर आपके पास है नीचे नीचे हाँ उस ये बोतल बड़ी है 1 लीटर की है This bottle is big, 1 liter bottle. और ये glass 200-250 ml का है. A glass of 200 or 250 ml. ये पानी इसमें नहीं आ सकता. This water cannot fit in this अभी glass. अभी आपको anointing मिली है. You got the anointing just now. अब ये glass में ये पूरा पानी नहीं आ सकता. In this glass, the entire water can't fit. तो सुबह जो preaching किया उसका आगे वाला point मैं बोल रहा हूँ. यदि ये पूरा bottle का पानी इसमें डालना है, आपको
कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है. एक्सपैंड योर कैपेसिटी, एक्सपैंड योर कैपेसिटी. अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ाइए कि प्रभु तू मुझे और दे, मैं और लेने के लिए तैयार हूं. प्रभु मेरे पास भूख की कमी नहीं, मेरे पास प्यास की कमी नहीं. लॉर्ड यू गिव मी मोर, आई एम रेडी टू इंक्रीज माय कैपेसिटी. मेरे यीशु मैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार हूं. मेरी सोच को बढ़ा, मेरी क्षमता को बढ़ा, मेरे चर्च के बिल्डिंग को बढ़ा, मेरे विजन को तू बढ़ा. आई एम रेडी टू इंक्रीज माय कैपेसिटी. लॉर्ड यू इंक्रीज, हालेलुया, यू एक्सपैंड माय विजन. मेरे प्रभु हालेलुया, मैं तैयार हूं तेरे लिए बड़ा काम करने के लिए, मैं तैयार हूं तेरे लिए वो मेहनत करने के लिए. इंक्रीज योर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए और खुदा आपको और चमत्कार देगा, और इंतजाम करेगा. कोई है जो जोरदार तालियां बजाकर मर गया? हालेलुया, हालेलुया, लारा बारी के बाला बाला बा, हालेलुया. कमर कमर कमर, कोई है जो कहेगा आया स्तुति करिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया. Increase your capacity. Increase your capacity. चलिए 10 लोगों को मिलिए, 10 लोगों को मिलिए और बोलिए expand your capacity. Meet 10 people and say expand your capacity. Expand. अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाइए. Increase your capacity. क्षमता को बढ़ाइए. क्षमता को बढ़ाइए. Expand your capacity. Expand your capacity. Come on. रुको रुको, stop 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 stop. मेरे चर्च में बड़े जबरदस्त रहते हैं. My church is great, you know. Fire camp से ज़्यादा चर्च में हमारे इधर ज़्यादा करते हैं. अच्छा, सुनो सुनो सुनो. Listen. हाँ, जब बोलोगे, धीरे-धीरे नहीं, चिल्ला-चिल्लाकर बोलोगे. And if you say, don't say slowly, shout and say. आवाज़ की कैपेसिटी भी और पूरे पावर के साथ फील करके. प्रभु ये साल एक्सपेंशन का है. आपने छोटा विजन देखा, उसने छोटा विजन दिया. आप अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करो, गॉड विल एक्सपेंड योर कैपेसिटी. बड़ा की आवाज में दम है. वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है. यहाँ पर जब पास्टर सेवक कोई भी आता है ना, एंकरेज करो वन अनदर को कि प्रभु आपके साथ है, डरिए मत. गॉड वो हिला रहा है घोंसले को, क्या कर रहा है? Someone is stirring the nest. जब प्रॉब्लम आती है इसका मतलब क्या, वो घोंसले को. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. बगल वाले को बोलो न छोड़ेगा न छोड़ेगा, छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बोलो कभी नहीं छोड़ेगा. बोलो बगल वाले को कभी नहीं, कभी नहीं, पावर से कभी नहीं छोड़ेगा. हाथों को उठाओ, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया. इंक्रीज योर कैपेसिटी. वर्शिप आवाज की कैपेसिटी को भी बढ़ाइए. थोड़ा करोगे थोड़ा मिलेगा. यह साल एक्सपेंशन का है. वर्शिप आवाज, स्तुति, प्रार्थना, वचन, पढ़ाई, प्रभु के साथ वक्त बिताना, हर चीज में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए. कोई ऐसे बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया. यह इंक्रीज मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूं. दो दिन नहीं था, अब आया. सब लोग सर हालेलुया. चर्च, आर यू रेडी, आर यू रेडी? किसी को मिलकर बोलना है, वन टू थ्री गो, वन टू, वन टू. Oh, 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 oh
शब्द के होने की जरूरत नहीं, ऐसे ही नाचेंगे 1 2 3 गो। अपनी क्षमता को बढ़ाइए क्योंकि वो आपके साथ है। कोई अजय कहेगा 1 2 3 वो साथ है, 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 ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना Oh,
आया मुझे